हेलो नमस्ते दोस्तों, यहाँ पर आप साइड में यहाँ पे देख सकते हैं एक बाइक का पेज है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें कितनी सारी प्रॉब्लम आ चुकी हैं। इसमें देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 प्रॉब्लम एक साथ आई हैं। इन प्रॉब्लम को कैसे हटाना, देख सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट नॉट स्टेबल की पहली प्रॉब्लम आ रही है ना, और पेज नॉट इजिबल की है, रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी की प्रॉब्लम है, और हमारी अनओरिजिनल कॉन्टेंट की प्रॉब्लम है, और मोनेटाइजेशन में भी इशू आ चुका है। पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू भी इन्हें कर दिया है, और मोनेटाइजेशन पॉलिसी वॉल्यूशन भी है। इसमें 5 वॉल्यूशन एक साथ आए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं पहले पे क्लिक करता हूँ, ये हमारा 30 दिन पुराना पेज हो जाएगा, ये चीज तो हमारी हट जाएगी। और ये प्रॉब्लम इनके पेज पर आई कैसे, इन्होंने मुझे अपना आईडी पासवर्ड दोनों दिए थे, और तब मैंने इनका पेज चेक कर दिया। इनके पेज पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, और कैसे आई थी प्रॉब्लम और कैसे ये हटानी वो सब चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बने वीडियो के लास्ट तक। उसको यहाँ पर मैं पहले मैं बैक कर लेता हूँ, स्पीड की पहले आपको ग्रोथ दिखा, तो ग्रोथ कितनी फास्ट हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस, 28 दिन की परफॉर्मेंस देख सकते हैं, यहाँ पर रीच देख सकते हैं 21 मिलियन रीच आई है, और 3 सेकंड व्यू व्यूवर 25 मिलियन आए, हमारे इंगेजमेंट हमारे 2.6 मिलियन आई है। आप देख सकते हैं, आप कहते हैं कॉपी पेस्ट का वर्क चलते नहीं है, देख सकते हैं इन्हें कॉपी पेस्ट से इसने काम कर लिया। देख सकते हैं नेट फॉलोवर 23,801 फॉलोवर इनने कर लिए हैं, 10 दिन के अंदर ही वायरल हो गया। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसको बैक करता हूँ, तो ये हम इनके पे आ चुके हैं, इनके टोटल फॉलोवर यहाँ पे 25,000 हो चुके हैं अभी। और मैं इनकी वीडियो दिखाता हूँ आपको, यहाँ वीडियो वाले ऑप्शन में मैं करता हूँ क्लिक, अपनी वीडियो डालने लगे इनको। मैंने बताया था आप अपनी वीडियो डालें तभी हट पाएगा, जो राइडर्स होते हैं ना उनकी वीडियो उठाकर डालते थे। ये देख सकते हैं 13 मिनट की यहाँ पर डाली है, यहाँ 8 मिनट की वीडियो डाली, इस पर देख सकते हैं आप 3.2 मिलियन व्यू आए हैं, 4.7 मिलियन व्यू आए हैं, और 2.3 मिलियन व्यू आए हैं। जिसे कितने अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, मिलियन में व्यूज आ रहे हैं इनके, और 44,000, 8 लाख, 1,000, 2,000, 2,000, 6,000 है ना, तो ऐसे इनके व्यूज आए हैं। यहाँ पोस्टर में क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं इस पर 4,000 व्यू आए थे, इनने डाली थी ब्यूटी राइडर की है ना, इस पर 3 मिलियन व्यूज आए हैं, इस पर हमारे 4.7 मिलियन व्यूज आए हैं, इस पर देख सकते हैं लाइक 87K भी लाइक आए हैं, कमेंट आए हैं, ये ज़्यादा शेयर करी गई हैं वीडियो, और जो हमारे 2.3 मिलियन व्यूज़ आए हैं इस पर है ना, तो देखिए यहाँ पे मिलियन से मिलकर व्यूज़ आए हैं। ये जो वीडियो है इन्होंने डायरेक्ट यूट्यूब से उठाकर यहाँ पे पेस्ट कर दिए, इसलिए इनको ये इतनी सारी पॉलिसी इशू देखने के लिए मिले हैं। अब ये चीज़ हटानी कैसे है वो पहले मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं इन भाई से भी कहना चाहूँगा, और आपके अगर आपके पेज पर ये प्रॉब्लम है या प्रोफाइल पर ये प्रॉब्लम आई है, सबसे पहले जी आपको ये वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी। अगर इन वीडियो पे आपके व्यूज वगैरह आ रहे हैं अच्छे खासे, तो आने दें, इन वीडियो व्यूज आना बंद हो जाए तब इनको आप डिलीट कर सकते हैं। अब डिलीट करने के बाद क्या काम करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको पेज ऐसे करके ओपन कर लेना है, ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको हेल्प एंड सपोर्ट पे करना है क्लिक, फिर आपको यहाँ सपोर्ट इनबॉक्स पे करना है क्लिक, फिर आपको यहाँ पे योर अलर्ट में आना है। योर अलर्ट में आपको नो वॉल्यूशन दिखाई दे रहा है तो ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कुछ वीडियोज वगैरह दिखाई दे रही हैं है ना, तो उन पर आपको क्लिक करके उनको डिलीट कर देना। डिलीट कैसे करना है अगर आपको नहीं जानते, तो आप मेरी अनओरिजिनल कंटेंट वाली वीडियो देख सकते हैं, उसे मैंने बताया, आई बटन में आपको लिंक मिल जाए देखने के लिए, उसका वॉचआउट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको मैं बैक कर लेता हूँ, दोबारा बैक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं बंद कर लेता हूँ। बंद करने के बाद यहाँ पर मैं सेटिंग एंड प्राइवेसी पे करता हूँ क्लिक, दोबारा से मैं हेल्प एंड सपोर्ट पे करता हूँ क्लिक। हेल्प एंड सपोर्ट पे क्लिक करने वाले यहाँ पर आपको रिपोर्ट प्रॉब्लम पे करना है क्लिक, यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू रिपोर्ट प्रॉब्लम पे आपको कर देना है क्लिक। पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इंक्लूडिंग पे करना है क्लिक, अगर आपके पे पे प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, अगर आपके फेसबुक प्रोफाइल पे प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं पेज कर लेता हूँ सेलेक्ट, आप पेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमको एक मैसेज लिखना है, ये मैसेज मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो करवा दे रहा हूँ, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपका इसकी शॉट यहाँ पर लेना है, इसकी शॉट लेने के बाद यहाँ से आपको बैक कर लेना है। अब बैक करने के बाद आपको ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है प्ले स्टोर से, इसका नाम है कॉपी टेक्स ऑन स्क्रीन शॉट। ओपन करने के बाद यहाँ न्यू वाले बटन पर क्लिक करके इंग्लिश में क्लिक कर लेते हैं, इंग्लिश में हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी गैलरी ओपन हो जाएगी। वहाँ से कॉपी करने के बाद आपको अपने फेसबुक प्रोफाइल पर आना है फिर दोबारा से। अब प्रोफाइल पर आने के बाद यहाँ पर आपको सी डैशबोर्ड पर क्लिक करना है, सी डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपको पेज रिकमेंडेशन पे करना है क्लिक। जैसे आप पेज रिकमेंडेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको पेज स्टेटस पे करना है क्लिक। पेज स्टेटस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन पे करना है क्लिक। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे फिर आपको यहाँ पे इसका ले लेना है स्क्रीन शॉट, यहाँ पर मैं इसका स्क्रीन शॉट यहाँ पे ले लेता हूँ। यहाँ से बैक करने के बाद हम हेल्प एंड सपोर्ट पे चलते हैं, फिर हम रिपोर्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, फिर यहाँ पर हम कंटिन्यू रिपोर्ट प्रॉब्लम पे कर लेते हैं क्लिक।
इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम पेज सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमने स्क्रीनशॉट लिया था, इसको यहाँ पर हम कर लेते हैं क्लिक, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने जो टेक्स्ट आपने स्क्रीनशॉट से कॉपी करा ना वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आपको अपने नीचे फेसबुक पेज का लिंक यहाँ पे दे देना है। देने के बाद आपको यहाँ पे सेंड पे कर देना है क्लिक। जैसे आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो प्रॉब्लम है फेसबुक टीम के पास चली जाएगी। अब इस काम को करने के बाद आपको क्या करना, अब आपको अपने फेसबुक पेज पे रोजाना लाइव आना है। अब आपको डेली लाइव आना है, 1 से 2 हफ्ते के लिए आपको लाइव आना, कम से कम आपको 5 मिनट तक तो लाइव आने आना है। इस प्रॉब्लम को हटने के लिए आपको 2 से 3 महीने लगने वाले हैं। 2 से 3 महीने बाद ये आपकी प्रॉब्लम हट जाती है। कोई भी आपको फेसबुक प्रॉब्लम आती है या आपको ये प्रॉब्लम आती है, अगर नहीं हटती तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और उसमें बता सकते हैं आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे वीडियो कर दें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर कर लें प्रेस। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।